कामकाज को लेकर कांग्रेस गुस्से में है। इसी को लेकर आज फरीदाबाद के कांग्रेसी नेताओं ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार ईडी समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 12 का है, जहां शहर के कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि देश में एक तरफ महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इन्हें कम करने की बजाय जनता को राहत देने की बजाय संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने में जुटी है और इसी को लेकर आज कांग्रेस ने यहां प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के लोग फरीदाबाद के सचिवालय पर धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने ईडी और इनकम टैक्स को सीबीआई को हमारे शीर्ष नेतृत्व को चाहे राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, उनको आगे करके और उनको हरासमेंट किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। आज हम इसलिए बैठे हैं कि ये भाजपा सरकार ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करना बंद करे और अपने विकास कार्यों की तरफ अपना ध्यान दे। हम मोदी सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ बैठे हैं, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। इस नीति के खिलाफ हम बैठे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार आप शर्म करो, आप बेरोजगारी पर ध्यान दो, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने पर ध्यान दो, आप लोगों को सुशासन मुहैया कराओ जिसकी आप बात करते थे। आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, आप इसको बंद करो। ईडी और सीबीआई आप दुरुपयोग करके आप नेताओं की आवाज नहीं दबा सकते। कांग्रेस पार्टी अंत तक संघर्ष करेगी, इनके जो झूठे वायदों का पर्दाफाश करेगी। ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। जो धरना प्रदर्शन है, जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं को ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के थ्रू तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को, कभी राहुल गांधी जी को, और ये विपक्ष को दबाने का काम करे, इसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। महंगाई के खिलाफ है, ये महंगाई और भ्रष्टाचार को डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरीके के प्रोपेगेंडे रच रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं इन्होंने दूध दही और छाछ पे जो जीएसटी लगाया, इसी को गाय और भैंस पे जीएसटी लगा दें, क्योंकि गाय भैंस ही दूध देती है, उसी से दही बनती है, उसी से छाछ बनती है। और पहली दफे हुआ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चार चार पांच पांच जजों ने रिजाइन करा, कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पहली दफे हुआ रिजर्व बैंक के तीन तीन गवर्नरों ने रिजाइन करा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीन तीन गवर्नरों ने रिजाइन करा। तो इस सरकार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन धरना है और जारी रहेगा जब तक इस सरकार को काट के नहीं बैठते।